नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आए हैं पावर ट्रैक का एक ऐसा ट्रैक्टर जो जाना जाता है अपने फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, जाना जाता है सबसे कम तेल खाने के लिए। सो दोस्तों मॉडल का नाम है पावर ट्रैक 439 RDX। RDX का मतलब क्या है? RDX का मतलब बॉम्ब नहीं है। RDX का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो R का मतलब है रोटावेटर स्पेशलिस्ट, D का मतलब है डीजल सेवर और X का मतलब है एक्स्ट्रा पावर। तो ये RDX इस तरह से हो जाता है। RDX का मतलब वो मत समझ लेना। तो इस तरह का पूरा ट्रैक्टर का लुक और डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, हेलोजन हेडलाइट्स के सेटअप के साथ में। बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, इसमें आपको 39 HP का 3-सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है जो अपनी मैक्सिमम पावर निकाल करके देता है, वो देता है 1850 रेटेड RPM पे। दोस्तों बात करें इसके इंजन के बारे में, 2340 cc का इंजन आपको मिल जाता है और इस तरह का पूरा लुक है। बात करें डिपर्स के बारे में, यहाँ पर डिपर्स दे रखे हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, काफ़ी अच्छे डिपर्स हैं। कुबोता के साथ में मिलकर के ट्रैक्टर बनाया गया है, आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट कुबोता लिमिटेड ने इस ट्रैक्टर को बनाया है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में खास बात क्या है, पावर ट्रैक के सभी मॉडल्स में जो आपको पेंट मिलेगा वो मेटालिक पेंट कर दिया गया है। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको देख पाएंगे, इस तरह के जो पेंट्स होते हैं इनमें पेंट को उड़ने का कोई टेंशन नहीं है और जो चमक होती है वो हमेशा इसी तरह की बरकरार रहती है। आप पूरा देख सकते हैं यहाँ से, बहुत ही तगड़ा मेटालिक पेंट आपको उसमें मिल जाएगा देखने के लिए। अगर बात करें इसके टायर्स के बारे में, जो पीछे के टायर्स हैं वो 13-6-28 के और जो आगे के टायर्स हैं वो 6-16 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर डीजल वाटर सेपरेटर, डीजल फिल्टर आपको दे रखा है यहाँ पर, और इस तरह का मिलेगा कुछ प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें ब्रेक्स के बारे में तो जो ब्रेक्स हैं वो OIB ब्रेक्स मिल जाते हैं, मल्टी डिस्क ब्रेक, और इधर से कुछ इस तरह का मिलेगा। इसका सारे सेंसिंग के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। अब चलते हैं दूसरी साइड में और देखते हैं कैसा कुछ लुक हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे फ्रंट लुक कुछ इस तरह से मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे पावर ट्रैक की ब्रांडिंग, हेलोजन हेडलाइट्स, स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे आपके लिए पूरा देख सकते हैं। और ये बम्पर दे रखा है जो कंपनी से आपको इस तरह का मिलेगा। उसके बाद जो आपको एयर क्लीनर आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऑयल बाथ टाइप का एयर क्लीनर है जो तेल में छन करके हवा जिसमें जाती है, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से। और पावर ट्रैक डीजल सेवर का यहाँ पे भी स्टिकर ब्रांडिंग आपको दे रखी है। बात करें इसके एग्जॉस्ट के बारे में, साइलेंसर के बारे में, तो वही आपको साइलेंसर दे रखा है जो पावर ट्रैक के सभी मॉडल्स में आपको देखने को मिलता है इस तरह का। अल्टरनेटर दे रखा है, डबल पंप आपको दे रखे हैं क्योंकि जो ट्रैक्टर है दोस्तों पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, पूरा आप देख सकते हैं। फिक्स्ड फ्रंट एक्सल है, इसको एडजस्ट आप नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक फिल्टर दे रखा है, ये इंजन ऑयल का फिल्टर हो गया। इधर साइड में सेल्फ स्टार्टर मोटर आपको लगी हुई है और बैटरी का जो बॉक्स है दोस्तों वो बाहर लगा हुआ है, जो कि पहले भी और पावर ट्रैक में आपको बाहर ही देखने को मिलता है शुरुआत से, तो इस तरह का मिलेगा देखने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं इस ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पर और देखते हैं ड्राइवर सीट पर बैठ के किस तरह का लुक हमें देखने को मिलेगा। तो इस पर पैर रख के फुटरेस्ट दे रखा है, ईजिली हम ड्राइवर सीट पर पहुँच सकते हैं। तो एक बार चलते हैं ड्राइवर सीट पर। तो दोस्तों इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा, पूरा देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी डिलक्स ड्राइवर सीट आपको मिल जाएगी। टूल बॉक्स आपको दे रखा है फाइबर का, जिसमें अपना कोई भी ज़रूरी जो टूल्स हैं वो आप इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इजीली अपने हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी इसमें स्टीयरिंग दे रखी है, हालांकि पावर स्टीयरिंग है लेकिन काफ़ी बड़ी इसको कर दी गई। स्पेस स्टीयरिंग को कंपनी थोड़ा सा छोटा करे तो शायद अच्छा रहे, क्योंकि वो नॉर्मल जो यानी कि जो मैनुअल स्टीयरिंग है वही वाला जो इसमें वो लगा दिया व्हील, इसको थोड़ा छोटा हम लगा सकते हैं बदल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में, तो डैशबोर्ड आपको कुछ तरह का मिलेगा देखने के लिए। स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है, एनालॉग डैशबोर्ड है पूरा का पूरा, और कितने घंटे चला हुआ वो केवल इसमें आपको दे रखा है डिजिटली, बाकी सारे इंडिकेशन एनालॉग में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये दे रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, इसमें अपना कोई भी पॉइंट और लगवा सकते हैं। हेड वर्किंग लाइट हॉर्न हो गया यहाँ पे, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर वर्किंग लाइट, पार्किंग लाइट आपको, स्टॉपर आपको यहाँ पे दे रखा है, चाबी यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं पूरे ट्रैक्टर को। और ये आपको दे रखे हैं इसके गियर्स, इसमें मेन गियर का लीवर यहाँ पे आपको दे रखा है और सेकेंडरी इधर दे रखा है लो हाई का, पूरा देख सकते हैं। ये आपको PTO का गियर आपको दे रखा है यहाँ पे। और जो क्लच के बारे में बात करें तो उसमें डुअल क्लच है, मतलब इसी वाले क्लच से आपका गियर्स और इसी वाले क्लच से PTO ऑपरेट होगा। जब इसको पूरा दबाएंगे तो PTO और आधा दबाएंगे तो गियर्स आपके ऑपरेट होंगे। OIB ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे। पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल की लीवर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिनसे आप अपने इंप्लीमेंट को पूरा सेट कर सकते हैं, जितनी भी हाइट पर सेट करना चाहो। अब दोस्तों ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का कुछ हमें लुक देखने को मिलेगा। तो ईजिली अगर थोड़ा सा हम एक मिनट, ट्रैक्टर तो न्यूट्रल में इस तरह की आवाज़ आपको, और पावर स्टीयरिंग जो है इस तरह से आप पावर स्टीयरिंग देख सकते हैं पूरा, काफ़ी आपको टाइम डिटेल्स मिल जाएगी। पावर स्टीयरिंग भी देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, इस तरह से इधर से देखेंगे तो उस तरह से मिलेगा पूरा इसका टाइम रेडियस, बहुत ही ज़्यादा टाइम रेडियस आपको उसमें देखने को मिलेगा पूरा, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। इसको बंद कर लेते हैं,
इजीली इसको स्टॉपर को खींच के हम बंद कर सकते हैं इस ट्रैक्टर को। इससे के बारे में पीछे से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का लुक हमें देखने को मिलेगा ट्रैक्टर का, यहाँ पे रिफ्लेक्टर और इसमें भी आपको 3 पॉइंट सेंसिंग आपको दे रखी है। बात करें इसकी पीटी एचपी के बारे में तो आपको इस ट्रैक्टर में 33 एचपी का पीटीओ आपको मिल जाता है सेक्टर में देखने के लिए। 33 एचपी तक का कोई भी इंप्लीमेंट चला सकते हैं। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे रखा है हाइड्रोलिक ट्रॉली चलाने के लिए। और लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो सेक्टर में आपको 1600 केजी की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है। 16 क्विंटल वजन उठा सकते हैं इसके लिफ्ट की मदद से। बाकी इस तरह का पूरा आपको इसका लोअरिंग सेटअप के लिए दे रखा है। जो पीछे का एक्सल है वो आपको दे रखा है पूरा स्ट्रेट, जिसमें आपको पीछे से कोई भी आवाज़ किसी भी तरह की नहीं आने वाली, बहुत ही स्मूथ और साइलेंट ट्रैक्टर चलेगा, देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे जो है पूरी SFC वगैरह सारा यहाँ पे आपको दे रखी है। तो अगर SFC के बारे में अगर बताएं तो इसमें SFC तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो निकाल करके देगा वो 25 किलोवाट निकाल करके देगा। 2024 मॉडल है पूरा, 5 साल की वारंटी का स्टीकर, वर्किंग लाइट इस तरह से मिलेगा, पूरा पीछे का सेटअप। सो दोस्तों ये था पावर ट्रैक यूरो 439 RDX डीजल सेवर का पूरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों इस ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे वासनी ट्रैक्टर्स बिसौली में आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसका कितना प्राइस है, कितना या फिर और भी आपको किसी पावर ट्रैक के मॉडल के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं इनका नंबर वीडियो में दे दिया हूँ, इनसे बात कर सकते हैं और किसी भी मॉडल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।